हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ अमन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव अमन आर्ट। सो आज मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही डिफरेंट पेंटिंग जिसको बोलता है डिजिटल पेंटिंग। सो आज मैं करूँगा दुर्गा माँ की डिजिटल पेंटिंग ऑन माय टैबलेट, और ये पेंटिंग आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो चलिए इस डिजिटल पेंटिंग को देखते हैं एंड सीखते हैं, लेट्स गो। सो एट फर्स्ट क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सो उसके बाद पेज लेना है इस तरीके से, और अब जाएंगे लेयर पर। तो लेयर पर जाके पिक्चर में जाके ये गैलरी आ जाएगा। सो चलिए पहले दुर्गा माँ की फ़ोटो लेते हैं। तो ये रहा फ़ोटो। सो इसमें क्लिक करके इसको ब्लैक एंड वाइट कर लेना है और राइट कर देना। तो जाते हैं फर्स्ट लेयर पर, और फर्स्ट लेयर पर बनेगा आउटलाइन। तो पहले जो दो नंबर लेयर है उसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, और फर्स्ट लेयर पे आ जाना है फिर, और फर्स्ट लेयर पे ही ये काम करना है आउटलाइन की। सो चलिए आउटलाइन करते हैं। तो इस तरह से आउटलाइन हो जाने के बाद लेयर में जाके दो नंबर लेयर को हल्का कर देंगे। सो ये रहा आउटलाइन होकर रेडी हो गया। अब इसको कलर करेंगे। सो कलर करने के लिए ब्रश टूल पर जाएंगे, और कलर में जाके इस तरह से कलर को एडजस्ट करेंगे, और येलो कलर को इसकी फेस पे अप्लाई कर दूंगा। सो देखिए कुछ इस तरह से अप्लाई होगा, तो देखते रहिए। कलर ऑप्शन में जाकर कलर को उसी कलर को थोड़ा सा डीप करेंगे, एंड शैडो लाइन को सिलेक्ट करके इसमें शैडो देंगे ताकि 3D इफेक्ट आए। और डिजिटल पेंटिंग का यही वह ख़ास बात है कि ये 3D लगता है। तो कुछ इस तरह से शैडो देंगे, तो आपको इस तरह से शैडो देना है उसी कलर को डीप करके। तो चलिए शैडो देते हैं। अब फिर से कलर करेंगे। सो कलर देखते रहिए किस तरीके से हो रहा है कलर, और मैं जिस ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ उस ऑप्शन में आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। और इससे रिलेटेड और भी ट्यूटोरियल वीडियो मैं डालूँगा मेरे चैनल पर, सो आप देख सकते हैं। एंड ये जो पेंटिंग सॉफ्टवेयर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ब्रश टूल में जाके ये वाला लाइन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ऊपर में आके इसको ऑन करके जो आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ स्टार्ट उसको 40% रखना है, एंड लेंथ ऑफ एंड उसको 100% करना है। तो उस इस टाइप का लाइन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आ रहा है। सो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है डिजिटल पेंटिंग में, बहुत ही आसान है। सो आगे देखते रहिए।
फाइनली खत्म हो गया डिजिटल पेंटिंग और ये पेंटिंग बहुत ही अच्छा बना है। और इसको पेंटिंग करने के बाद आप इसका हार्ड कॉपी ले सकते हैं प्रिंट आउट करके अपने मोबाइल से। सो आप मोबाइल से ही बहुत ही अच्छा डिजिटल पेंटिंग कर सकते हैं। सो आपको ना कोई रंगों का ज़रूरत है ना कोई पेंसिल, आपको सिर्फ ज़रूरत है एक अच्छी एंड्रॉयड मोबाइल की। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलता हूँ, गुड बाय।